रायपुर में राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सेवा दल ने भारत जोड़ो तिरंगा मार्च पदयात्रा निकाली। राजीव गांधी चौक छोटा पारा से शुरू हुई ये पदयात्रा धमतरी जिले के दुगली गांव में 29 फरवरी को समाप्त होगी। पदयात्रा को लेकर सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले गोरों ने लूटने का काम किया था, अब चोरों ने संविधान को खतरे में डाल रखा है। हम लोग दोबारा मैदान में आकर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से गोरों ने इस देश को लूटा था, गुलाम बनाया था, आजकल चोरों ने संविधान को कमजोर कम करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीवाद और धर्मवाद को जोड़कर आप जो सत्ता में बने रहकर जनता को प्रताड़ित करते हो और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं टूटने देंगे। आप में अंदर जो भरी हुई जो नफरत है उसको हम बाहर निकालेंगे।